गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसएन यादव आपके सामने हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। यहाँ पे हिंदी व्याकरण के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में हृदय का बहुत बड़ा महत्व है, उसी तरीके से हिंदी व्याकरण का भी हिंदी भाषा में बहुत बड़ा महत्व है। यदि हिंदी भाषा से व्याकरण को हटा दिया जाए तो वो भाषा संज्ञाशून्य हो जाएगी। व्याकरण वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना जान जाते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। आइए व्याकरण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि यहाँ देखा गया है कि सबसे पहले मैंने आपको संधि के बारे में वर्णन करूँगा। संधि किसे कहते हैं? संधि एक ऐसी व्याकरण का पार्ट है जिसकी जो हमेशा हर कक्षा में या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप बैठते हैं तो उसमें व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें संधि से क्वेश्चन जुड़े रहते हैं। अब संधि को पहचानने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं को हल करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक के माध्यम से आप उस संधि के सभी पार्ट्स को या संधि के जितने भी प्रकार हैं सबको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए हम संधि के बारे में पहले पढ़ते हैं कि संधि कहते किसको हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक विकार पैदा करते हैं, विकार होता है तो वहाँ पे हम संधि कहते हैं या वहाँ संधि बनती है। यहाँ पे एक शब्द विकार दिख रहा है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। जब दो वर्णों के वजह से बदलाव पैदा होता है तो वहाँ संधि होती है। आइए संधि के कुछ पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। संधि के यहाँ तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं, जिसमें पहला भाग आपको पढ़ा जाएगा स्वर संधि, दूसरा पार्ट इसका है व्यंजन संधि, तीसरा पार्ट है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी संधियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, लेकिन इन सभी संधियों में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली संधि होती है वो होती है विसर्ग स्वर संधि। आइए विसर्ग स्वर संधि के बारे में कुछ बात करते हैं। विसर्ग स्वर संधि के भी हम यहाँ देखते हैं पांच भाग होते हैं, इसके भी पांच भेद किए गए हैं। उसमें से पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा आएगा यड़ स्वर संधि और जो अंतिम स्वर संधि आती है वो है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भाग होते हैं।
उस पांच भाग में पहला आता है आपका दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इनको याद कैसे किया जाए, ये कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है कि पहले वृद्धि स्वर संधि होती है या यण स्वर संधि होती है या फिर गुण स्वर संधि होती है। इस चीज़ को याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है, जिसकी वजह से आसान तरीके से बहुत इजी वे में आप सबके क्रम को याद कर सकते हैं। चलिए वो ट्रिक हम देखते हैं वो क्या है। ट्रिक है दो गुणी वृद्ध यहां आए हैं। एक छोटा सा वाक्य है, दो गुणी वृद्ध यहां आए हैं। अब इस छोटे से वाक्य को यदि आपने याद किया है तो इससे स्वर संधि के जितने भेद होते हैं सबको याद आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं इसको। दो से मतलब आपका बनता है दीर्घ स्वर संधि, गुणी से मतलब होता है गुण स्वर संधि, यहां देखिए वृद्ध, वृद्ध से आपको मिल जाएगा वृद्धि स्वर संधि। बड़े आसान तरीके से आप इस पूरे वाक्य को याद करके सभी संधि के बारे में, सभी संधि का क्रम आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहां पे आएगा चौथा नंबर पे, यहां लिखा हुआ है आप इस हां को हटा दीजिए, य से सिर्फ मतलब रखिए, य का मतलब यहां पे है यण स्वर संधि, स्वर संधि। और यहां पे आए हैं में ये हैं, इसको आप हटा दें, सिर्फ यहां से ए को, आ को आप लीजिए और इस आ से आपका बनेगा अयादि स्वर संधि। देखें अब यहाँ पे एक आपने सेंटेंस, एक वाक्य आपने याद किया और इस वाक्य को याद करने से स्वर संधि के पांच भेदों को आपने तैयार कर लिया और वो भी क्रम से। इस क्रम से याद करना इसे बहुत ज़रूरी है, कब कौन आएगा ये आसानी से दो गुणी वृद्ध यहाँ आए से आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है, दो गुणी वृद्ध यहाँ आए दो से चार बार आप पढ़ लेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को पहचान करने का क्या तरीका है, आसानी से उसे हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप उसको देखें। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखें यहाँ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में सिर्फ दो से तीन चीज़ों को याद करनी है। इसमें एक ये शब्द आप याद रखेंगे, बड़ी मात्रा। और बड़ी मात्रा में क्या क्या होता है उसको भी देखें, वो आता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। बड़ी मात्रा, जिस भी शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिखाई देती हो, मीन्स आ की मात्रा दिखाई देती हो, बड़ी ई की मात्रा दिखाई देती हो या फिर बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देती हो, वहाँ पे आप निःसंकोच दीर्घ स्वर संधि पे टिक लगाइए। जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें दीर्घ स्वर संधि ज़रूर आएगा होगा, उस दीर्घ स्वर संधि पे टिक लगाइए, आपका 95% श्योर आप रहिए कि वो आंसर सही होगा। अब देखिए जैसे विद्यालय,
पुस्तकालय रविंद्र सूर्योदय सर, इसमें आ की मात्रा लगी है, यहां पुस्तकालय में भी आ की मात्रा लगी है, रविंद्र में भी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ या आ कहिए, बड़ी ई बड़ा उ, बड़ा उ के लिए मैं आपको बता दूं, लघुर में, लघुर में इसमें देखिए घ में बड़ा उ की मात्रा लगी हुई है, मीन्स जिस भी शब्द में आप बड़ा ई की बड़ा उ की या आ की मात्रा लगी देखें, आप एकदम श्योर हो जाइए कि यहाँ पे यह दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि, इसका भी बहुत आसान ट्रिक है। गुण स्वर संधि को पहचान करने के लिए आप दो मात्राओं पर ध्यान रखेंगे, पहली ए और दूसरी मात्रा इसकी आएगी ओ। जिस शब्द में सिर्फ एक मात्रा ऊपर एक मात्रा लगी होगी, वहां पर उस एक मात्रा में या तो ए की मात्रा लगी होगी या फिर ओ की मात्रा लगी होगी। देखिए कैसे एक मात्रा लगी है, रमेश, इस रमेश को देखें, रमेश में म पर एक मात्रा लगी हुई है और वो एक मात्रा किसकी है, ए की मात्रा है, इसलिए रमेश में गुण स्वर संधि आएगी। इसके बाद आता है सुरेश, सूर्योदय, सूर्योदय में देखें, सूर्योदय में ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, सुरेश में ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, मीन्स आप जो ये लाइन दे रहे हैं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द आप लिखते हैं शब्द के बाद ऊपर जो लाइन आप देते हैं उस लाइन के ऊपर ध्यान देना है कि एक मात्रा है या नहीं है। यदि एक मात्रा मिलती है तो क्लियर है कि वहाँ पे गुण स्वर संधि ही होगा, आप श्योर रहें। अब इसके बाद चलिए अगला पढ़ते हैं, तीसरा इसमें आता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, अब इसमें देखिए वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि करना। गुण स्वर संधि जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शब्द के ऊपर एक मात्रा की बात की थी, अब यहां पे शब्द के ऊपर दो मात्रा की हम बात कर रहे हैं। वो दो मात्राएं कौन कौन सी आएंगी, ए और औ की मात्रा आएगी। जैसे एकाएक, एकाएक में क में देखिए दो मात्रा लगी हुई है, जहाँ पे भी इस तरीके का आपको शब्द मिले और उसके ऊपर दो मात्राएं दिखाई देती हैं तो वहाँ आप वृद्धि स्वर संधि पे टिक लगाइए, आपका आंसर सही होगा। वनौषधि, वनौषधि, वन धन औषधि, दोनों को मिलाएंगे संधि करेंगे तो आएगा वनौषधि। इस वनौषधि में आप देखिए ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए वनौषधि में भी आपको मिलेगा वृद्धि स्वर संधि। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे इयड़ स्वर संधि। यण स्वर संधि में
इसको भी आसानी तरीके से, आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। वो आसान आपका तरीका क्या है, इसमें य, र और व, य, र, व अक्षर को ध्यान रखना है। यहाँ पे य, र, व ये तीन अक्षर हैं जिनको ध्यान रखना है। जब भी किसी शब्द में य, र, ल, वाए और उसके पहले कोई आधा अक्षर आता है, कोई भी आधा अक्षर आए और उस आधे अक्षर के तुरंत बाद वाले अक्षर य हो या र हो या फिर ल हो, तो वहाँ पे आप यण स्वर संधि टिक लगा सकते हैं। यण स्वर संधि पे आप टिक लगाएंगे, निश्चित रूप से वो सही होगा। जैसे प्रत्येक, आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक, प्रत्येक में य है, य से पहले आधा त लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि होगी। आप एक बात यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ य पर तो एक मात्रा है, जबकि एक मात्रा आपने गुण स्वर संधि में बताया था, तो गुण स्वर संधि में एक मात्रा हम बताए ज़रूर थे, लेकिन उसके पहले ये नहीं बताए थे कि आधी अक्षर आती है। लेकिन इसमें एक मात्रा है और उसके पहले क्या है, आधी अक्षर है। तो जब एक कोई य, र, ल, व से पहले आधी कोई अक्षर आती है तो वहाँ पे आप यण स्वर संधि लगाएंगे। इसके बाद आता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में इसकी भी बहुत इजी ट्रिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि इस चीज़ ट्रिक को आप याद करते हैं तो कभी भी आपकी अयादि संधि मिस नहीं होगी, नहीं उसको गलत आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। अक्सर अयादि संधि के जो भी एग्ज़ाम्पल होते हैं बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसकी वजह से आज से आप श्योर हो जाइए कि आपका अयादि संधि से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से वो सही आप करके आएंगे। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि इसमें तीन अक्षर, इसमें आपको तीन अक्षर मिलेगी और अय, आव आदि का उच्चारण मिलेगा। जैसे नयन, अब आप नयन शब्द को देखिए, नयन शब्द में तीन अक्षर पाए गए हैं और ये तीन अक्षर का जब हम नयन शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या मिलता है आपको, नयन, अय, नय, नय, आय, अय आ रहा है, यानी यहाँ पे ये जो उच्चारण आ रहा है आपको अय, मैंने बताया है कि अय, आव, ये उच्चारण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नयन में कौन सा संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी शब्द अयादि स्वर संधि का यदि आता है तो उसमें तीन ही अक्षर पाया जाएगा। जैसे मिलेगा पावक, पाव, पाव, आव आ रहा है, पावक जैसे आप बोल रहे हैं तो पावक में आव आ रहा है, इसलिए पावक में कौन सी संधि आएगी, अयादि स्वर संधि आएगी। और इसमें जो तीन अक्षर मैंने बताया है वो तीन अक्षर भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं और इसके बाद आपको अयादि स्वर संधि पे आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आता है नायक, भावुक, नाविक, गायक, ये जो सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहे हैं सब में आप देख सकते हैं तीन तीन अक्षर दिया है। यहाँ पे आउ दिया हुआ है, ये भी उच्चारण करने पर आउ, आउ शब्द भी आता है, जहाँ पर वहाँ पे आपको मिलेगा अयादि स्वर संधि। तीन अक्षर सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। दूसरी बड़ी विशेषता है कि अय, आव, आओ, आए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, इसलिए आप अयादि स्वर संधि को टिक करेंगे। और अयादि स्वर संधि पे टिक करने का मतलब हुआ कि आपका एक नंबर श्योर हो गया, आपके हाथ में आ गया। चलिए अब इस तरीके से मैं आपको
हिंदी व्याकरण की में संधि पढ़ाया, और आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।